हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टमाटर की लौंजी। हमारे इंडियन किचन बिना टमाटर के बिल्कुल अधूरी है। हमारे खाने का ये स्वाद बढ़ाता है, उसके अलावा ये हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी देता है। हमारे बच्चों के लिए टमाटर की ये लौंजी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये टमाटर की लौंजी सभी लोगों की आँखों की रोशनी बढ़ाएगी, उनकी पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करेगी, ब्लड का फ्लो जो सर्दियों में कम हो जाता है उसको ये बढ़ाएगी। मैंने जिस तरीके से इसको प्रिपेयर किया है इसी तरीके से आप इसको प्रिपेयर करिए और इसके हेल्थ बेनिफिट उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं ये हेल्दी लौंजी बनाना। टमाटर की लौंजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो टमाटर लिए हैं। ये देखिए, ये देसी वाले टमाटर हैं जिनके ऊपर ये क्राउन लगा होता है। ये जो देसी टमाटर होता है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, लाइकोपीन, विटामिन पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की काफ़ी शक्ति होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोशिश करें कि देसी टमाटर से ही टमाटर की लौंजी बनाएं। लौंजी बनाने के लिए आप चाहें तो इन टमाटर को कट करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो लौंजी आपको आज बताने जा रही हूँ उस लौंजी को आपके बच्चे भी बड़े ही प्यार से खा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन टमाटरों में से हम कुछ टमाटर कट करके लेंगे, कुछ बॉयल करके लेंगे। आप चाहें तो सारे टमाटरों को बॉयल कर लीजिए कट लगा करके बीच से। ये देखिए, टमाटर को आप बारीक काट लीजिए इस तरीके से, छोटा छोटा। टमाटर और काली मिर्च हमारी आंखों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। अगर आप बच्चों को सुबह रोज़ टमाटर और काली मिर्च देते हैं तो आपके बच्चों की जो आई साइड वीक हो रही है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ये देखिए, टमाटर हमारे कट चुके हैं। हमने अपने पैन में 2 कप पानी रख लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब इसमें हम अपने टमाटर रखेंगे बॉयल होने के लिए। टमाटर हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे। लगभग 5 मिनट के लिए हमें टमाटरों को इसी तरीके से कुक करना है। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर देखिए हमारे बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम इनको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इन टमाटरों को आप चाहे तो हाथ से ही इसी तरीके से मसल सकते हैं ताकि इनका अच्छे से पल्प निकल आए, या फिर आप इनको किसी चॉपर वगैरह में बारीक चॉप कर लीजिए ताकि इसका पल्प निकल आए। कोशिश करें कि इसको मिक्सी में ग्राइंड ना करें, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो भी उसके साथ पिस जाते हैं, वो हमें आगे चल के स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैंने एक चॉपर ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर और इनको अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए, सारे टमाटर बहुत ही अच्छे से हमारे चॉप हो चुके हैं। अब हम इनको स्टेन कर लेंगे ताकि इनके बीज और छिलके अलग हो जाएं। अब किसी स्टेनर की मदद से इस तरीके से हम अपने पल्प को स्टेन कर लेंगे। ये देखिए, हमारा पल्प निकल आया है। अब हम इससे अपनी टमाटर की लौंजी बनाएंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख ली है और उसमें हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर करके हमने इसमें घी डाल दिया है। इसको हम मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है ये बनारसी राई, छोटा वाला राई। आप यहाँ पे पीली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली वाली सरसों मत लीजिएगा, उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून मेथी दाना, इसको भी इसमें डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हींग लिया है। हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली हैं, उनको भी इस तरीके से हमने कट करके ले लिया है। अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च बिल्कुल अवॉइड कर दें। इस तरीके से डाल देंगे। 1 इंच ग्रेटेड अदरक डाल देंगे। और ये जो कलौंजी ली थी इसको भी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसको मिक्स कर देंगे। अब हमने जो ये कटे हुए टमाटर लिए हैं इनको भी इसमें डाल देंगे।
अब इनको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी कटोरी किशमिश, इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने 4 से 5 खजूर लिए थे, उनको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है, उनको भी इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हमने जो पल्प तैयार किया था उसको भी इसमें डाल देंगे। पल्प डालने के बाद हम इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक और कुक होने देंगे। आप चाहें तो लौंजी को गाढ़ा या पतला अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देखिए हमारी लौंजी में अच्छे से बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक और इसमें डाल देंगे ये मिश्री। आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लौंजी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी स्टेज पे आप इसको टेस्ट करके चेक कर लीजिए, अगर आपको मिठास कम ज़्यादा लगे या सॉल्ट कम ज़्यादा लगे तो आप अपना ऐड कर सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी लौंजी बन करके तैयार हुई है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। देखिए हमने अपनी लौंजी को इस तरीके से सर्व कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये सफ़ेद वाली कुटी हुई काली मिर्च, इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से। और अब हम इसको गार्निश करेंगे। इस कुछ हमने खजूर के पीसेस लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी लौंजी बनकर के तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट करके बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोज़ को। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हेल्दी खाएँ, हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।